जानती हुई क्या है? से ऑफिस से मिला हुआ वो आखिरी बोनस जो ये कहकर यहां छोड़ गई थी कि अहमद की सालगिरह का इंतजाम इस बार वो करेगी। मेरे लाख मना करने के बावजूद उसने ये वापस नहीं लिए। अहमद को कुछ दिलवाना हो तो दिलवा देना, इस्तेमाल कर लेना ये पैसे, नहीं तो रख देना कहीं। और हां राफिया, एक बात और, मैं और तुम फरिश्ते नहीं हैं, हमारे अंदर हजार बुराई है, इसलिए भलाई करनी है तो उतने ही करो जितनी दिल से करना चाहो। ये दिखावों से कुछ हासिल नहीं होगा राफिया, क्योंकि सच तो यह है कि अरीज चाहे कुछ भी कर ले अपनी औलाद पर, चाहे हमारी औलाद को तरजीह दे दे या शायद अपनी जान भी दे दे, वो तुम्हें हमेशा खटकती रहेगी। तुम्हें तो शायद ये जानकर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी इस घर में चुपचाप रहने की वजह सिर्फ ये थी कि अफान ने उसे कह दिया था कि अगर वो वापस आए तो हमारी शादी खतरे में पड़ जाएगी। अम्मी और अब्बू के बाद हम उसके बड़े हैं। काश हमने थोड़े बड़ेपन का मुजाहरा कर लिया होता। अपनी बहन के सामने मैं इतना छोटा ना पड़ जाता। तुम इंसान हो लेकिन अब एक माँ भी हो बेटे, और एक माँ के एहसासात क्या होते हैं जानती हो ना। इस घर में सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी औलाद के साथ दुश्मनी भी एक हद तक निभा सकती हूँ। नहीं रही मुझ में बेटे, लेकिन अगर कभी जिंदगी में किसी एक लम्हे में भी तुमने मेरी इज्जत की है ना बच्चे, तुम अच्छे हो। टेबल चाहिए था, तुम अपनी दवाइयां कहीं और रख लो, मैं रख देती हूं। कितनी अजीब सी बात है ना, कल तक इस घर में तुम्हारे आने की तैयारियां हो रही थी और आज देखो। मैंने तुम्हें बताया था ना, इस घर के लोग किसी के नहीं है। तुम्हारे आगे तो फिर हाथ जोड़ लिए, मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं कि उसके आने में मेरी मर्जी शामिल है या नहीं। अच्छा, तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि इन सब में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं है। और तुम ही ने कहा था ना अफान से, जो हो रहा है जैसे हो रहा है उसे होने थे। और अगर सब इतने ही बुरे हैं इस घर में, अफान इतना बुरा है, तो क्यों प्यार करती हो उससे? पता क्या है, तुम ये सब नहीं समझ सकती, मेरा और अफान का बचपन का साथ है, तुम्हारी तरह कुछ अर्सा पहले का नहीं। और वैसे भी मेरी मोहब्बत तुम्हारी तरह शर्तों की मोहताज नहीं है, मैंने उसे उसके हर अच्छे बुरे के साथ कबूल किया है। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगता मेरा तुमसे ये सब बातें करना, क्योंकि तुम तो उसको अपने दिल से पहले से निकाल चुकी हो ना, और शायद वो तुम्हें। सो वी आर गुड राइट?
थिंक वो लोग आ गए। नहीं मां, जब तक ये इजाजत नहीं देती थी मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। सिकंदर, मैंने कहा ना मां, नहीं, क्योंकि मैं यहां किसी को तकलीफ देने के घर से नहीं आया। और यह भी जानता हूं कि अगर मर के अपने गुनाहों का अजाला करना चाहूं तो उसके लिए भी कई जिंदगियां लगेंगी। आपसे बस इतना कह सकता हूं कि बहुत शर्मिंदा हूं मैं, बस ये इजाजत दे दें तो मैं यहां रह सकता हूं। तुम्हारी तरह आप जनाब का सहारा नहीं लूंगी, क्योंकि इज्जत दिल से की जाती है, जबान से नहीं। और तुम्हारी जबान ने तो सारी जिंदगी लोगों को घाव ही दिए। ये तुम्हारा घर है, जब यहां तुम सबकी मर्जी से आए हो तो मेरा पूछना ना पूछना बेमायने है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मर्जी घर वालों से पूछी जाती है, और मैं तो वैसे ही यहां पर कुछ दिनों की मेहमान हूं। तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो सिकंदर।
अब आराम कीजिए, फिर मैं आता हूँ। अफान, दो मिनट बैठोगे नहीं, कुछ बात करनी है। और अगर तुम्हें अरीज के पास जाना है तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। बोले देखो, मैं जानता हूं ये सब तुम्हें बहुत ही अजीब लग रहा होगा, शायद मेरी तकलीफ भी बेमायने लग रही होगी जैसी ये जिंदगी मुझे लगने लगी है। पर यार, दूसरा मौका तो सबको ही मिलना चाहिए ना। और तू तो बड़े दिल वाला है, मुझे बस इतना ही कहना था दैट आई एम फ्री। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा यार। मिस कॉल। जैनब, जैनब, अभी तक खाना नहीं बना? जी अमन बाजी, बस तैयार है। इतना टाइम क्यों लग रहा, जल्दी करो। मैं ले जाऊंगी बेटे, आप रहने दो। नहीं नहीं, आप आराम करें, मैं ले जाऊंगी, कोई मसला थोड़ी है। आर यू श्योर? अच्छा चलो। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। तुम्हें पता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। जिंदगी में पहली मर्तबा तुम्हारी तारीफ करने को दिल चाह रहा है। तो कर लो, रोका किसने? पता है दुश्मन को मैदान में हराने में वो मजा नहीं जो उसी के घर में घुस के हराने में है। और वैसे भी अपने इरादों में कामयाब होने के लिए इससे बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? But this is too much. तुम्हें नहीं लगता? डरा यार। वैसे मेरा ख्याल रखने से ज्यादा तुम्हें अरीज का ख्याल रखना चाहिए, बेचारी भौंकलाई हुई है, जानती है कभी भी कुछ भी हो सकता है। किस मकसद से आए हो सिकंदर? मैं क्या करने आया हूं ये तो तुम भी जानती हो, पर ये भी जान लो कि अब कदम कदम पे तुम्हें मेरी मदद करनी है, जाकर भी पीछे नहीं हट पाऊंगी। और वैसे भी अब तो घर की बात है, घर में ही रह जाएगी।
ये क्या बकवास है? इस तरह कर दे काम, गेट आउट। मैंने आज ही रिस्पॉन्स देना है आफा। अगर आपने कुछ कहना है तो आप भी मुझे कह लें। सब तो नाराज है मुझसे। क्या कहूं आफान, मेरी परेशानी नाराजगी को बहुत पीछे छोड़ गई है। वो इस वक्त जिस हसास दौर से गुजर रही है, मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे भाई का सामना कैसे करेगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो बदल गया है आफान? अपनी जान लेने की कोशिश की है तो जान ली तो नहीं ना। खैर, ये तुम्हारे घर के मामलात हैं और जब इस सब में आंटी की मर्जी शामिल है तो मैं बाकी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम दोनों ये जानते हैं कि नाज़िश के कत्ल के पीछे वही है आफान। वो कानून की पकड़ से बच भी जाए तो क्या तुम्हारा जमीर इस बात की इजाजत देता है कि तुम ऐसे शख्स को अपने घर में रखो? वकार भाई, मेरा जमीर मेरी तरह सोच चुका है, पर उनको मम्मी ने माफ किया, मैंने नहीं। अफान, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी सोचो, लेकिन तुम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते कि तुमने एक टाइम बॉम्ब घर में लाकर नस्ब कर दिया। कोई वेपन तो नहीं है उसके पास? नहीं नहीं, कोई वेपन नहीं है। जो सामान था वो ले आए। ऐसे क्या देख रहे हो बेटे? देख रहा हूं ऊपर वाले ने माँ भी क्या चीज बनाई है। आप जानते हैं, अपनी हिम्मत से बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने। कोई बात नहीं, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है ना, और फिर ये तुम्हारा अपना घर है बेटे। तो फिर ये घर जैसा लगता क्यों नहीं? कैसे यकीन दिलाऊंगा मैं इन सबको अपनी नदामत का, क्योंकि ये काम ना ही आप कर सकती हैं और ना ही मैं। देखिएगा, दिन ब दिन इन सबका रवैया बद से बदतर होता जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। माजी में जो कुछ हो चुका है बेटे, उसे भुलाकर एकदम से आगे चल पड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन एक बात तय है कि अगर नीयत साफ हो तो दिल बदलने में देर नहीं लगती। और फिर मां के और दूसरों के जज्बात में फर्क तो है ना। जानता हूं मैं, पर यह भी याद है कि कैसे कैसे सुकून से सो जाया करता था। पल भर के लिए आते थे गोद में और फिर भाग जाते थे। आप ऐसे क्यों हैं? कैसी? एकदम साफ, शफाफ, जैसे आईना हो। बताया, जब भी खुद को गौर से देखता हूं और कभी गलती से कोई अच्छाई नजर आ जाती है तो उसमें भी आप ही दिखती है। तुम अच्छे हो मेरे बेटे, बहुत अच्छे हो। सिर्फ हमेशा से अपनी मनमानी करने की आदत थी तुम्हें, और यही आदत तुम्हें ऐसी जगह पे ले गई जहां तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। सही कह रही हैं, और यहां भी सब बहुत अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा ना सही।
इन सब के लिए बर्दाश्त के काबिल बनना। इतना मत सोचो बेटे, क्योंकि अब अगर कोई तुमसे सवाल करेगा ना तो जवाब मैं दूंगी। थैंक यू मॉम, थैंक यू। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी, घुटन हो रही थी बहुत। सब लोगों के कमरों के दरवाजे बंद थे, यही खुला था तो मैं इसलिए आ गया। पर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आई कैन गो बैक टू माय रूम। इट्स ओके अफान, मैं तुमसे कुछ मांगू तो दे पाओगे? एक्चुअली जब से हॉस्पिटल से आया हूँ मुझे तो होश ही नहीं है। मेरी कौन सी चीज कहाँ है याद ही नहीं था। फोन भी आज ही दिया मामा ने मुझे। मेरा कुछ सामान है अमजद के पास। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कैन कम हियर और आकर मुझे सामान दे दे। पर मैं जानता हूँ घर में सब लोग कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं। मैं ऑनेस्टली किसी को परेशान नहीं करना चाहता। तुम यही हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने ही फोन कर देता। मंगाले से बोल रहे थे। मैं कर देता हूँ। जानता हूँ अमजद, जानता हूँ कि घर को ताले भी लग चुके हैं और शायद जल्दी तोड़ फोड़ भी शुरू हो जाएगी। पर कोई बात नहीं, अरे उन पेपर्स का मैं क्या करूँगा। उन्हें देखता हूँ तो याद आता है कितने लोगों का हक मारा था मैंने और कितना बुरा इंसान हूँ मैं। हाँ तकलीफ में तो हूँ पर कोई बात नहीं, दूसरों को इतनी तकलीफ पहुंचाई है थोड़ी खुद भी सहनी चाहिए। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। सुन, तोहफे के लिए शुक्रिया। थैंक यू, फिर मिलेंगे।
दूसरा मौका तो सबको ही मिलना चाहिए ना। तू तो बड़े दिल वाला है। हाँ छो बेटे, आ जाओ यहाँ बैठो। अरे इतना सब कुछ बनवाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तुम्हारी पसंद का है बेटा। इनमें से आधी चीजों का तो जायका भी भूल चुका हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। बेटे अफ़ान, भाभी आप लेंगे? कहाँ जा रही हो बेटे? खुशियों के मौके पर सिर्फ घरवाले एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं, अजनबियों को महफिल का हिस्सा बनकर मजा किरकिरा नहीं करना चाहिए, इसलिए जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में ही नाश्ता कर लेता हूँ। आराम से खाएं, उन्हें आना होगा तो आ जाएंगी। जी खुद कहा था ना कि तुम यहां कुछ दिन की मेहमान हो, फिर ये कैसा बर्ताव है? मैं इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूं, मुझे बताओ कोई कमी मेरी मोहब्बत में, मेरे खलूस में मिली है तुम्हें? जिंदगी के किसी मोड़ पे मैंने तुमको अकेला छोड़ा है अरीज? आज अगर एक माँ ने तुमसे कुछ मांग ही लिया है तो तुम ऐसे कदम कदम पे जलील करोगे मुझे? आपने मुझसे जो कुछ मांगा है बहुत गलत वक्त पे मांगा है अम्मी, क्योंकि ना अब मुझ में सहने की बर्दाश्त रही है ना आप में सुनने की, क्योंकि आपको तो अपनी इस ममता के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा,
और जिसकी खुद कोई इज्जत ना रही हो वो क्या किसी को जलील करेगी। आपने तो मिनटों में सब कुछ अनदेखा कर दिया, सारे आंसू, बर्बादी, तजलील, सब कुछ। क्या इन सबके बस सिर्फ हाथ जोड़ लेना काफी है, माफी मांग लेना काफी है? अगर ये उसने कर ही लिया है ना तो शायद ये उसकी बड़ाई है अरीज। बड़ा बेटा है वो इस घर का, मौत के मुंह से बचकर आया है, और मैं उसे दूसरों के सामने एक हद तक ही गिरने दूंगी, फिर चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चचीजान, वो सिकंदर, क्या हुआ है सिकंदर को? कुछ नहीं, बस वो प्लास्टर हटा के देख रहा था कि दर्द क्यों हो रहा है, तो शायद जख्म अभी तक भरा नहीं। अफान, जल्दी से पट्टी लेकर आना बेटे, पट्टी बदल के देखते हैं। कुछ नहीं हुआ, कल रात से ही बस बहुत दर्द था, मैंने पैट ला के देखा तो देखो तो जरा खून निकल रहा है कितना ज्यादा, मेरा ख्याल है डॉक्टर के ही लेके चलते हैं। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुम परेशान नहीं हो अफान, कुछ नहीं हुआ, बस जख्म अभी भरा नहीं इसीलिए, पर मैं खुद पट्टी कर लूंगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरा फोन लाओ, मैं डॉक्टर को फोन करके पूछूं तो सही उसे। अरीज के कमरे में छोड़ के आई हूं, अभी दिखाओ तो जरा मुझे ये कैसे हो गया, खोल के देखना तो पड़ेगा ना बेटे, बैठ तो जाओ। मैं देख लूंगा। अच्छा, मेरा दिल हौला दिया है तुमने बेटे, हाथ हटाओ मुझे देखने दो। अरीज के? नहीं, वो अभी तो अपने कमरे में थी, अब नहीं है वहां। अरीज, क्या विस्फर रहे? अगर बाहर ही आना था तो गार्डन में बैठ जाती, इस तरह मुझे परेशान करने की क्या जरूरत? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन इस परेशानी को भी तुम अपनी मर्जी से ही वापस लेकर आए हो। प्लीज स्टॉप इट, मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं कर रहा हूँ ना। उस शख्स का बैठ के मैंने हाल तक नहीं पूछा, सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे दिल को ठेस ना पहुंचे। क्या लगता है तुम्हें मैं उनको तुम पे तरजीह दे रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम इमन को तो देखो, उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस वक्त हमारा साथ दे रही है ना। थर सा रहा है मुझे खुद पर और थोड़ा थोड़ा तुम पर भी, कुछ अपने जैसा ही दिल लगा था तुम्हारा, इसलिए खींचे चली गई थी, वो दिल जो दूसरों की बुराई नहीं देख पाता। तुम जानते हो
ईमान और सिकंदर इस हादसे से कहीं पहले से रابطے में थे। What? हाँ, खुद अपने कानों से सुना है मैंने और अब अपनी आंखों से देख भी रही हूँ। अरे जो हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। काश काश कहीं कोई गलत फहमी होती, लेकिन ये सच है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो लगता था कि नाजिश। क्या नाजिश? चुप क्यों हो गए, बोलो। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता अरीज, लेकिन उसे तो यहां तक आ गया है कि शायद नाजिश मेरे खिलाफ काम कर रही थी। क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो और किसने कहा है तुमसे ये सब कुछ? एमन ने। तुम्हें पता है जब एमन के फोन पर मैंने सिकंदर की कॉल रिसीव की थी तो क्या कह रहा था वो? कि भूलो मत तुम मेरे टुकड़ों पर पलती हो। हो सकता है वो उसको ब्लैकमेल कर रहा। खुद सोचो, जिस लड़की की जिंदगी उसकी वजह से तबाह हो गई हो, वो उसके लिए क्यों? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, या शायद तुम सह नहीं पाओगे। प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। और एक बात कहूं, जो इस दुनिया से चले गए कम से कम उन्हें बख्श दो, क्योंकि शायद उनकी जान भी तुम्हारी वजह से ही गई है। और जानती हूं तुम्हारी जागीर हूं, जागीरदारी तो तुम सबकी फितरत में है ना, कहीं नहीं जाऊंगी, फिक्र नहीं करो। मुझे कुछ देर अकेले रहना, तुम यहां से जाओ प्लीज।